हर से भाई बाबू दीवान साहब तनिक अंदर समझाइए हम लोगों को, मत समझाइए यहाँ जो वीडियो बना था बनाने दीजिए उनको। आप अगर अंदर समझाइए कैदियों को जो वाहन के अंदर सीट ना मिलने को लेकर के मार भिड़े जा रहे थे कि तुम अगर हमारे सीट पर कैसे बैठ गए, कैसे बैठेंगे भैया, तुम बैठ के दिखाओ, होना का था भैया आपसे भैया मारपीट करने लगा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी, झगड़ा हो रहा था मामा तो प्रदेश बाराबंकी जिले के जो बकता सिविल कोर्ट के पास का बताया जा रहा। आप कहा बताओ जब यह कचहरी में जो है वाहन खड़ी थी और कोर्ट में पेशी के बाद कैदियों को वापस से जिला कारागार ले जाया जा रहा था। इसी दरमियान भैया वाहन के अंदर जो कैदियों वाला वाहन नहीं होता, यू देखे हो नीला नीला चमचमाता हुआ, अभी के अंदर भैया कैदियों की संख्या बढ़ गई है, यही खातिर भैया सीट नहीं मिला था कुछ कैदियों को, बस आपसे भिड़े लग बहसबाजी करने लगे। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो पुष्टि हम कतई नहीं करते, सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी तो हमने कहा था आपको दिखा दे। देखो भैया सिपाही दीवान कहा बता रहे थे कि देखो भैया समझाया जा रहा है वीडियो ना बनाओ, बंद करो वीडियो भैया, अरे काहे वीडियो बना रहे हो, अब मैं बताई सब शांत हो जाएंगे। देखो उनको समझाना हमारा काम है, क्यों लड़ रहे हैं, क्या बात, क्या मामला, क्या हुआ, आप आपस में लड़ गए क्या? अच्छा मारपीट हो रही है सीट के लिए, हम बैठेंगे। अच्छा सीट के लिए छोटी छोटी चीजों में जो है। अब देखो भैया सिपाही बाबू का बता रहे थे कि देखो भैया ये सभी ने छोटी छोटी बात को लेकर के मारपीट करने लग, बताओ जरा अंदर बैठे थे भैया कैदी कि देखो हम बैठेंगे, कैसे तुम हमारे सीट पर कैसे बैठ गए, तुम बैठ के दिखाओ, कैसे बैठ गए भैया, ले हो गया बवाल भैया, उतने मारपीट करने लग सभी ने, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती, वीडियो कुछ कदर नहीं करते। लेकिन भैया कचहरी में वकील साहब मिल गए श्याम सिंह जी, ये बताने लगे कि देखो भैया ये छोटा सा वैन है, कैदियों की संख्या बढ़ गई है और यही खातिर भैया मारपीट हो गई है। अब बताओ यही वैन में लात के लाएंगे भूसों की तरह तो मारपीट तो हो गया करेगी, तुम सुनो काम बताओ जरा वकील साहब। मेरा नाम श्याम सिंह, यहाँ जिला अदालत में जिला कारागार से जो बंदी लाए जाते हैं, बंदियों को लाए जाने के लिए बैठने के लिए मठाधीशी को लेकर वर्चस्व को लेकर वहाँ पे मारपीट हुई है, वाहन है क्षमता से अधिक भूसे की तरह भर के लोगों को लाया जाता है और हद तो यहाँ तक की है कि महिलाओं को भी उसी में लाया जाता है जबकि उनके लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था है नहीं, और MB एक्ट में बहुत सारे कानून बने हैं लेकिन इनके लिए कोई कानून नहीं बने। आदमी अगर 3 ट्रिपल बाइक से आता तो उसका चालान कर दिया जाता और यहाँ क्षमता से अधिक लाते हैं। मारपीट हुई, पुलिस खड़ी देखती रह गई, काफ़ी देर के बाद में उन लोगों को निकाला जबकि काफ़ी चोटिल भी हो गए जो बंदी है, अगर जाने के लिए गाड़ी तैयार हुई थी तभी ये मारपीट की घटना हुई। हाँ वकील साहब की बात सुनी आपने भैया, ये बता बाराबंकी जिले कचहरी का मामला है जहाँ पर देख लो भैया सीट ना मिलने को लेकर के कैदी मार अब से मां भिड़े जा रहे थे, पुलिस वाले सब बकता देखते रह गए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती, इस वीडियो पुष्टि हम कतई नहीं करते हैं, वकील साहब का बयान था और वीडियो वायरल हुई थी, हमने कहा था आपको दिखा दें। अब आपकी काराकोट की जगह वीडियो शेयर डालू, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, को दबा दो बैंक, उम्मीद करते कि सरकार प्रशासन देखेगी और भैया तनिक संज्ञान लेगी, एक दो बैन के साहब और व्यवस्था करवा दीजिए और का देखा तो भैया हमारे सब आपसे भिड़े जा रहे थे। फिलहाल आपकी काराकोट की जगह वीडियो शेयर करना, कतई मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को।